नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एयरटेल 4G हॉटस्पॉट का पासवर्ड चेंज करना बताएंगे और इसका पूरा स्टेप बताएंगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसका पासवर्ड चेंज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेट करने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनील मौर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SM टेक्नो गुरु में। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं कि एयरटेल 4G हॉटस्पॉट का पासवर्ड वाईफाई पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। ये 4G हॉटस्पॉट है, इसको पीछे से ओपन करेंगे यहाँ से, और जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, ये पूरा एडमिन यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिन पासवर्ड ये लॉगिन करने के लिए दिया हुआ है। और लॉगिन के लिए पहले यहाँ पे IP डालेंगे जो 192.168.1.1 दिया हुआ है, जहाँ पे आप वेबसाइट इंटर करते हैं वहाँ पे इसको इंटर करेंगे। उसके बाद यूज़र ID और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है वाईफाई पासवर्ड। अगर इसे हम चेंज हमें करना है तो इसको नोट करके रखेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से USB के द्वारा लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद चलिए हम आपको डेस्कटॉप पे बताते हैं किस तरह से ये होगा। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे हॉटस्पॉट को USB के द्वारा लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक ब्राउज़र ओपन हो के आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और ये जो IP एड्रेस है, यदि IP एड्रेस ये ऑटोमेटिक ये ओपन होकर नहीं आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये IP एड्रेस इंटर करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो हमने अभी दिखाया है, एक बार आपको दिखा देते हैं कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा। ये यूज़र नेम, पासवर्ड, IP एड्रेस और वाईफाई पासवर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, तो वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। चलिए इंटर करके देखते हैं और नीचे पासवर्ड टाइप करेंगे, एडमिन ही यहाँ पे भी टाइप करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक कॉन्फ़िगर प्रोफाइल सेटिंग आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ रहता नहीं है, तो यदि आप यहाँ पे प्रोफाइल नेम में आप नेम डालना चाहते हैं और जो एडमिन और पासवर्ड जो था वहाँ पे एडमिन है तो वहाँ पे भी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल नेम इंटर कर लेंगे और एडमिन जो यूज़र नेम पीछे दिख रहा था जहाँ पे एडमिन था वो एडमिन यहाँ पे डाल देंगे, चाहे जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो रख देंगे। और यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे, यानी कि एडमिन की जगह पे दूसरा पासवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे सैलेंद्र डालना चाहते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एडमिन रहना चाहते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव क्लिक करने के बाद अब हमें वाईफाई पासवर्ड चेंज करना है, तो वाईफाई पासवर्ड चेंज करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो वाईफाई ऑन करते हैं तो वाईफाई में जैसे यहाँ पे सैलन सिंह लिख के आ रहा है, देखिए हमने ये जो चीज़ लिखा हुआ वही चीज़ लिख के आ रहा है, यानी कि अपना वाईफाई का नाम चेंज करना है। तो वो यहाँ पे SSID में अपना वो नाम डाल देंगे और वाईफाई का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो चलिए हम यही सैलेंद्र सिंह ही रहना चाहते हैं, चाहे जैसे मान लीजिए ये ना लिख के सैलेंद्र, उसके बाद नेटवर्क लिख दे रहे हैं और यहाँ पे अपने मनपसंद जो भी पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे लगा देंगे। तो हम यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड चेक कर लेंगे कि जो हमने डाला वो सही है कि नहीं, उसके बाद यहाँ से हटाकर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। प्लीज़ वेट ए फ्यू मोमेंट देगा, ये सक्सेस हो गया और ऑटोमेटिक ये लॉगआउट हो जाएगा। ये लॉगआउट हो चुका है, अपने होम पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक किए, देखिए हमने आप फिर से एक बार कर दे रिफ्रेश कर दे रहे हैं, यहाँ पे तो सैलेंद्र नेटवर्क करके शो होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसे भी कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पासवर्ड चेंज कर लेंगे एयरटेल का 4G हॉटस्पॉट का।
तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।